अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है? आज हम मटन बिरयानी बनाने जा रहे हैं, तो आइए और मिलकर देखते हैं कि हम अपने हिसाब से मटन बिरयानी कैसे बनाते हैं और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों देखिए, हमने अब पतीला ले लिया है। अब पतीले में सबसे पहले आपका जाएगा ये मटन, जो कि मैंने धो के वॉश करके रख लिया है। सबसे पहले मटन डालते हैं और मटन जाने के बाद अभी हम डालेंगे आलू। तो आप लोग डालते हैं कि नहीं डालते कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमने अभी डाल दिया ये आलू और ये कुछ मसाले डाल रहे हैं, जो कि ये मिक्स है और थोड़े आप चाहो तो घर से भी डाल सकते हो। और ये देखिए, ये हो गए कुछ खड़े मसाले, मैंने खड़े मसाले डाल दिए। और अभी हम इसमें अब डालने जा रहे हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो ये रहा आपका जिंजर गार्लिक का पेस्ट और अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। दही अप्रोक्सीमेटली 1 किलो में बना रहा हूँ, तो उसके हिसाब से 250 ग्राम्स में दही डाल रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से कितना डालते हैं मुझे बताइएगा। उसके बाद अभी आएगा ये तली हुई प्याज, जिसको हम बिरिस्ता भी कहते हैं। ऊपर से थोड़ी सी हल्दी पाउडर, कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, बस थोड़ा सा ही गरम मसाला पाउडर। और अब हम डालेंगे पिसा हुआ टमाटर और थोड़ी सी घी, ये देसी घी है। फ्रेंड तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मसाला मिलाने के बाद हमारा ऐसा कलर आया है। ऊपर से हम ये थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल रहे हैं और ये आपका साज जीरा डाल रहे हैं, काला वाला जीरा, जो ब्लैक जीरा होता है वो हमने ऊपर से डाल दिया। अब हम चावल के लिए हमने पानी चढ़ा दिया। पानी चढ़ाने के बाद ये देखिए, हमने इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल दिए। अभी इसको पकने देते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, पानी में जैसे कि उबाल आ गया है, अब हम इसमें चावल डाल रहे हैं। ये गया हमारा चावल पानी में के। अब इसमें चावल को हम लोग बॉईल होने देंगे और थोड़ा सा जब बॉईल हो जाएगा तो इसको 3 लेयर में हम लोग बिरयानी के ऊपर डालेंगे। ओके, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, चावल हमें हमारे बॉयल आ गया है और चावल अभी थोड़ा सा 60% कुक हो चुका है। तो अभी हम लोग एक फर्स्ट लेयर चावल का लेंगे। और ये हम इस पे बिरयानी पे डालेंगे ऊपर से। अभी हम फाइनल लेयर चावल का डालेंगे। Thank you.
ये देखिए, तो फाइनली अभी बिरयानी हमारी दम होने के लिए रेडी है। अभी हम इसमें एक कोयले का अंगार देके उस पर थोड़ी सी घी डालेंगे, तो उससे क्या होगा कि एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद हम लॉक करेंगे और इसको दम पे रखेंगे। ये बिरयानी हमारी भाई दम पे लग चुकी है। अब हम वेट करते हैं इसका दम फूटने का, और दम फूटने के बाद हम इसका फ्लेम लो करेंगे और इसको धीमी धीमी आँच में करीबन 45 to 50 मिनट्स पकने देंगे। ओके, और फाइनली आप देख सकते हैं बिरयानी हमारी बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये देखिए हमारी बिरयानी तैयार है। ये देखिए, मैंने चावल निकाल के साइड में अलग रख दिया है, और इधर नीचे मटन और मसाला है। पहले ये मसाला और मटन प्लेट में निकालेंगे, ऊपर से ये चावल निकालेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं बिरयानी का फाइनली लुक ऐसा है। और अभी आप देख सकते हैं फाइनली ये प्लेट में निकाल के सर्व करने के लिए रेडी है। सो बनाइए और एंजॉय करिए, और हमें बताइए कैसी बनी।